कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। अगर वह भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, और अगर अभाव से आया है तो उसे मदद करो, और प्रभाव से आया है तो खुश हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है। मैं खुश हूँ, कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, याद तो करता है। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, बस एक चोट की जरूरत है साहब, उंगली पे लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पे लगे तो नेचर बदल जाता है। सुनने की आदत डालें क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालें क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊंचा उठने की आदत डालें क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालें क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। सच्चा इंसान ना तो आस्तिक होता है ना ही नास्तिक होता है, सच्चा इंसान हमेशा वास्तविक होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी अपने पीठ पीछे अपने बारे में सुनो तो बुरा मत मानना, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा हमेशा जिंदा व्यक्ति की होती है, मरने के बाद तो तारीफ ही होती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। अटल सत्य है, जिस प्रकार बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। जीवन में तीन बातें कभी भी हो सकती है, पाप का उदय, गति का बंद और जीवन का अंत। इसलिए अपने परिणाम को सदा कोमल रखें। रोज सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखें। मरना तय है, साथ में कुछ नहीं जाएगा, जो करेगा वो भरेगा, जहां उलझो वहीं सुलझो, जो है उसी में संतुष्ट रहो। मेरे बिना ईश्वर ईश्वरी ही है, लेकिन ईश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं। पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे होता है, पर ना आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पल भर में बदलने वाला है। जीवन भी कुछ ऐसा है, हमेशा मुस्कुराते रहें।